म्यूजिक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिता एक बहुत ही गरीब लड़की थी। वो अपना पेट पालने के लिए एक बड़े घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। उसकी मालकिन बहुत ही घमंडी औरत थी। मालकिन की एक बेटी थी जिसका नाम था शिप्रा। वो भी अपनी माँ की तरह ही थी। वो दोनों नंदिता से कम पैसों में पूरे घर का काम करवाया करते। ऐसे ही एक दिन सुबह नंदिता अपने काम पर जाती है और वहाँ पहुंचकर घर का सारा काम करती है। तभी उसकी मालकिन उससे कहती है, अरे ओ मनहूस, जरा मेरे कमर दबा दे और हाथ पैर भी बहुत दर्द कर रहा है। जी मालकिन, बस ये साफ कर लूँ फिर दबा देती हूँ। अच्छा, तो मुझे वेट करवाएगी तू? मुझे ना घर से निकालने में तुझे जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है मालकिन, अभी दबा देती हूँ। नंदिता सारा काम छोड़कर मालकिन के हाथ पैर कमर दबाने लगती है। तभी उसकी मालकिन मुंह बनाते हुए कहती है, अरे तेरे हाथों में लकवा मार दिया है क्या? जान नहीं है क्या तेरे शरीर में? अरे ढंग से दबा, मर मर के दबाई जा रही है। नंदिता चुपचाप मालकिन की सेवा में लगी रहती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मालकिन की बेटी शिप्रा बारिश में भीगते हुए घर आती है। नंदिता को चिल्लाते हुए उससे कहती है, अरे ओ कामचोर नंदिता, जरा मेरे बूट्स तो निकाल दे पैरों में से। उसके बूट्स कीचड़ में सने हुए थे। ये देखकर नंदिता का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो उसके बूट्स निकाले। मगर तभी शिप्रा कहती है, अरे ओ दो टके की नौकरानी, सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? अब हाँ हाँ, अभी निकालती हूँ। नंदिता किसी तरह मन मार कर उसके बूट्स निकालती है। तभी शिप्रा नंदिता को पैर मारते हुए वहाँ से अंदर चली जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। नंदिता अपनी मालकिन और उसकी बेटी के अत्याचारों से बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने घर आके अकेले छत पर बैठकर खुद से बातें करते हुए कहती है, काश कि सबकी तरह मैं भी आराम से खुशी से अपना जीवन जी रही होती। काश मेरे पास भी मेरे माँ बाप होते। काश मैं भी अमीर होती तो शायद आज मेरे साथ ये सब ना होता। उसी समय आसमान से एक परी आती है जो उसको कहती है, नंदिता क्या हुआ तुम्हें? तुम तो परी जैसी लग रही हो, क्या तुम सच में परी हो? हाँ सच में मैं एक परी हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। सच में? हाँ। परी उसको जादू से तीन जादुई लहंगे देती है जो कि एक पिंक, दूसरा ब्लू और तीसरा ब्लैक कलर का होता है। और परी उससे बोलती है, नंदिता ये तीन जादुई लहंगे हैं जो कि मैं तुम्हें दे रही हूँ। और सबसे पहले आता है पिंक कलर वाला लहंगा, जिसे पहनते ही तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगोगी। दूसरे नंबर पर आता है ब्लू कलर का लहंगा, जिसको पहनते ही तुम अपनी जरूरत का कुछ भी सामान उससे मांग सकती हो। और फिर तीसरे नंबर पर आता है ब्लैक कलर का लहंगा। अगर तुम्हें कोई भी परेशान कर रहा है तो तुम उसे पहनकर किसी को भी मजा चखा सकती हो। और तुम किसी भी लहंगे को पहनकर बस चुटकी बजाते ही दूसरा लहंगा जादू से पहन सकती हो। पर हाँ, याद रहे कि तुम इस जादू का दुरुपयोग नहीं करोगी। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी और लहंगे की जरूरत है तो तुम चुटकी बजाना और उस रंग के लहंगे को याद करना, वो लहंगा तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगा। परी क्या सच में ऐसा है? हाँ नंदिता, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। नंदिता ब्लू कलर का लहंगा पहनकर अपने घर और खाने का सब कुछ मंगाती है। धीरे धीरे उसके घर में वो सारी चीजें मौजूद थी जिसकी नंदिता को जरूरत थी। नंदिता चुटकी बजाते ही पिंक लहंगा पहन लेती है और लहंगा पहनते ही वो बेहद सुंदर लड़की में तब्दील हो जाती है। ऐसे ही बन ठन के वो एक बहुत बड़े मॉल में जाती है जहाँ शिप्रा भी आई हुई होती है। नंदिता बहुत सारी महंगी महंगी ड्रेस ले लेती है और ये सारा नजारा शिप्रा देख रही होती है। तभी शिप्रा उसके पास जाती है और कहती है, तू नंदिता है ना? अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया तेरे पास? और तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? ओ मैडम, तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी माँ की नौकरानी नहीं हूँ जो मुझसे ऐसे चिल्ला के बात कर रही हो। तो जो पूछा है वो बता दे। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती? बड़े पर निकल आए ना तेरे, जरूर मेरे ही घर से पैसे चुरा चुरा कर आज तू ऐश कर रही है। मुझसे पंगे मत ले, समझी? वरना क्या कर लेगी? हाँ। तभी नंदिता चुटकी बजाते ही ब्लैक कलर का लहंगा याद करती है और जादू से वो लहंगा पहन लेती है। जादू से शिप्रा को बहुत ही ज्यादा बदसूरत बना देती है। उस पर शिप्रा कहती है, ये क्या किया तूने मेरे साथ? तेरे पास कोई जादू है ना?
और तू उस जादू का गलत इस्तेमाल कर रही है। किसी को फिजिकली तू नुकसान दे रही है, मुझे ठीक कर। नहीं करूँगी, अब तू ऐसे ही रहेगी, समझी? प्लीज मुझे ठीक कर दो नंदिता। नहीं करूँगी, जो तेरे बस में है कर ले। इतना करने के बाद में नंदिता वहाँ से जाने लगती है, तभी मॉल के रिसेप्शन पर बैठा हुआ आदमी उससे बोलता है, मैडम अपना बिल तो जमा कर दो। बिल चाहिए तुझे, रुक। जिसके बाद में नंदिता उसे जादू से चूहा बना देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और नंदिता अपने 3 जादुई लहंगे के जादू का दुरुपयोग करने लगती है। ऐसे ही एक दिन शिप्रा की माँ रोते हुए नंदिता के पास आती है और उसे कहती है, बेटा नंदिता प्लीज मेरी बेटी को ठीक कर दो, वो बदसूरत हो गई है, जब से तब से डिप्रेशन में जा चुकी है, ना खाती है ना पीती है ना हंसती है, कुछ कर ना बेटा। अरे ओ बुढ़िया, मेरा टाइम वेस्ट मत कर, तुझे क्या लगता है तेरे कहने से मैं मान जाऊंगी और उसको ठीक कर दूंगी? अच्छा तो तू मुझे बदसूरत कर दे, लेकिन मेरी बेटी को ठीक कर दे। नहीं करूंगी मैं, तुझे जो करना है कर ले बुढ़िया। ये बात तो बिल्कुल सही है बेटा, जब पैसा शान शौकत एक इंसान के पास आ जाता है ना, तो उसमें घमंड आ जाता है, तो तू क्या चीज है बेटा, आखिर तू भी तो एक इंसान है ना। ओ बुढ़िया मुझे ना ज्यादा लेक्चर मत दे, वरना तेरा भी ना कुछ अंट शंट बना दूंगी। इतना बोलने के बाद में भी उसकी मालकिन उसके आगे अपनी बेटी के लिए गुहार लगाती है और आखिर में नंदिता को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण वो उसको बिल्ली बना देती है। ऐसे ही समय और बीतता है और एक दिन नंदिता बन ठन के अपने पिंक लहंगे को पहन कर कहीं जा रही होती है, तभी रास्ते में उसको एक लड़का प्रपोज करता है। तभी नंदिता उससे बोलती है, अपनी शक्ल देखी है तूने, मेरे लेवल का बन, तब जाके मुझे प्रपोज करियो। प्यार करने के लिए औकात या लेवल नहीं, फीलिंग्स चाहिए। मेरा प्यार अलग है, तो तू औकात देख कर ही आ। वो लड़का उसको बहुत समझाता है, मगर नंदिता को गुस्सा आ जाता है, तो वो जादू से उसको कुत्ता बना देती है। ऐसे ही रात को नंदिता के पास परी आती है और उसे कहती है, नंदिता आखिर तुमने भी अपने जादू का गलत इस्तेमाल कर ही लिया, तुम्हारे अंदर जादू को लेकर घमंड आ गया, जो कि जादुई शक्तियों के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे सारे जादुई लहंगे वापस ले रही हूँ, जिसके बाद जो भी जादू तुमने किए है ना वो भी ठीक हो जाएंगे और तुम बिल्कुल पहले की तरह गरीब हो जाओगी। नहीं परी मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। परी नंदिता की एक भी बात नहीं सुनती और उससे उसके सारे जादुई लहंगे वापस ले लेती है, जिसके बाद नंदिता के पास जो भी कुछ जादू से आया था वो सब कुछ चला जाता है और वो फिर से एक बार अकेली हो जाती है। साथ ही उसे अपने किए हुए पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो फिर से एक बार कड़ी मेहनत करने लगती है और अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करती है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती और साथ ही अपने अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।